भारतीय टीम का वर्ल्ड कप में अगला मैच गुरुवार को मैनचेस्टर में वेस्टइंडीज से होगा। टीम इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर विश्व कप के अंतिम चार के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करे। वहीं वेस्टइंडीज अभी तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, तो इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी और अपनी जगह वर्ल्ड कप में कायम रखने की भी। इस मैच के लिए हम आपको फैंटेसी 11 से जुड़ी टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। टीम के विकेटकीपर बैट्समैन के लिए हमारी पसंद होंगे निकोलस पूरन। पूरन ने अभी तक टीम की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिया है और पॉइंट्स के हिसाब से ये सस्ते है। धोनी को ना लेने का कारण है उनकी खराब फॉर्म और पूरन वेस्ट इंडीज के मिडिल ऑर्डर को एक अच्छा बैलेंस देते हैं। बैटिंग लाइनअप की बात करें तो पहले चार बैट्समैन होंगे इंडिया से। रोहित शर्मा और केएल राहुल टीम को एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत देते हैं। वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के पेस का फायदा रोहित शर्मा अच्छी तरह से उठा सकते हैं। टीम के कैप्टन भी होंगे रोहित। वहीं केएल राहुल उनका अच्छी तरह से साथ देते हैं और ओपनर के तौर पर बड़े रन आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वहीं हमारी अगली चॉइस होंगे विराट कोहली। कोहली टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये वो हर मैच में साबित कर देते हैं। वर्ल्ड कप में कोहली की फॉर्म कंसिस्टेंट है और बड़े रन आराम से स्कोर कर पा रहे हैं, तो विराट कोहली को अपनी टीम में जरूर शामिल करें। हमारी अगली चॉइस होंगे केदार जाधव। जाधव को लेने का रीजन है पॉइंट्स, और अगर जाधव को खेलने का मौका मिला तो उस मौके का फायदा केदार जाधव जरूर उठाना चाहेंगे। बैटिंग लाइनअप में मेरी आखिरी चॉइस होंगे क्रिस गेल। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेल ने अब तक एक कमाल की परफॉर्मेंस दी है और इंडियन बॉलिंग के अटैक को अच्छी तरह से समझते हैं। गेल इंडिया के अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर जरूर बनाना चाहेंगे। आप इन बैट्समैन पर जरूर बैक कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की ओर। टीम में हम एक ही ऑलराउंडर लेंगे और वो होंगे वेस्ट इंडीज के कैप्टन जेसन होल्डर। ऑलराउंडर के तौर पर होल्डर ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बैट और बॉल दोनों से ही कमाल कर सकते हैं। होल्डर टीम के वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स में से आते हैं, तो ये आपको ज्यादा पॉइंट्स जीतने में मदद कर सकते हैं। अब करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात। पहले तीनों बॉलर्स होंगे टीम इंडिया से और उसका रीजन है अब तक के मैचेस में इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस। पहली चॉइस होंगे मोहम्मद शमी। शमी ने वर्ल्ड कप 2019 की पहली हैट्रिक ली और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी शमी से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। शमी का कॉन्फिडेंस आने वाले गेम में उनकी यूएसपी साबित हो सकता है। अगले बॉलर होंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह की डेथ बॉलिंग और यॉर्कर्स वेस्ट इंडीज के लिए खतरा बन सकती है और इंडिया को बुमराह की बॉलिंग की जरूरत पड़ेगी वेस्ट इंडीज के बिग हिटर्स को रोकने के लिए। बुमराह होंगे हमारी टीम के वाइस कैप्टन। अगले बॉलर होंगे कुलदीप यादव। चहल की जगह यादव को लेने की वजह है वैरायटीज। यादव अपनी बॉलिंग में वैरायटीज ला सकते हैं और फ्लाई टेक्निक से एक अच्छी स्पिन लाके बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं। हमारी आखिरी चॉइस होंगे वेस्ट इंडीज के शेल्डन कोटरेल। कोटरेल की फॉर्म अब तक अप टू द मार्क रही है और वेस्ट इंडीज की तरफ से अहम मौके पे खास विकेट लेने में भी कामयाब हुए हैं। इंडिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के लिए की बॉलर साबित हो सकते हैं कोटरेल। ये थी हमारी फैंटेसी 11। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए अपनी ड्रीम टीम की चॉइसेस के बारे में और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स कीड़ा से बाकी सारी स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए।